जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, हो ये रहा है कि हम सभी सुख सुविधा इस दुनिया में चाहते हैं, चाहे गाड़ी, बंगला, घर, मकान, बहुत दिनों से अच्छी नौकरी नहीं कर रहे हैं, और जिनमें सभी, क्योंकि ये जो युग है कलयुग, ये भोग का युग है। यहाँ हम भोगना चाहते हैं, अय्याशी से, आराम से जीना चाहते हैं। ये बहुत से कमेंट्स मुझे मिले हैं, इसलिए ये बात मैंने कही है। अय्याशी ये एक शब्द, थोड़ा अलग सा शब्द है, तो ये बहुत से कमेंट्स मुझे इस विषय को लेकर मिले, इसलिए मुझे मजबूरी वैसी बात कहना पड़ रहा। आप सबसे पहले, अगर आपको ऐसी यूनिक जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपने जो भी देवी देवता में आप यकीन रखते हैं उनका नाम आप खुल कर लिखें, क्योंकि ईश्वर है तो सब है। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ फिलहाल, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पर जहाँ भी बैठा होगा आप उसको पॉजिटिव वे में कर सकते हो, उसको सब कुछ सकारात्मक, क्योंकि शुक्र वो है जो केवल और केवल वो आपकी मदद के लिए तत्पर बैठा है। बस आप उनसे मदद मांगे तो आपकी मदद डेफिनेटली करेगा। मतलब आप एक प्रैक्टिकल तौर पर मैं समझा रहा हूँ जो चीज़ें, उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि जो शुक्र से आधिपत्य में आती है, जैसे सबसे पहली चीज़ महिलाओं की इज्जत। जो व्यक्ति महिलाओं की इज्जत करता है पूरी ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं कि आँखों में और कुछ है और दिल में और कुछ है और बाकी और कुछ है, पूरी ईमानदारी के साथ जो महिलाओं की इज्जत करता है उसका शुक्र डेफिनेटली बहुत मजबूत होता है, और उसके पास गाड़ी, बंगला, शोहरत, धन दौलत, इन चीज़ों की कभी कोई कमी नहीं देखी गई है। और अगर कमी होती है तो धीरे धीरे वो एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच जाता है। ये बहुत बेसिक चीज़, और इसमें महिलाएं भी आती है, ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए मैं बात कह रहा हूँ, ये खासकर महिलाओं के लिए भी, क्योंकि महिला जो शुक्र है वो पुरुष ग्रह जरूर है, लेकिन उसकी जो हरकतें या युग हो कि उसकी जो भी कार्य क्षेत्र है वो पुरुष महिला प्रधान है। दूसरी बात है बच्चों का, जो अनाथ बच्चे हैं, आपके अनाथ आश्रम के बच्चे, शुक्रवार के दिन जाकर उन्हें आप जो भी अच्छी चीज़ लगती है, खासकर मीठा, कोई वस्त्र दान कर दें, या कोई भी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती, जो आपको खाने में बहुत अच्छा लगता है, उसकी पार्टी दे दीजिए, इससे भी बहुत शुक्रिया। या वृद्धाश्रम जहाँ वृद्धजन रहते हैं, वहाँ पर भी आप इस चीज़ को करने के बाद बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। चौथी चीज़ें स्वच्छता। शुक्र जो है वो अकॉर्डिंग वैभव का है, और वैभव के लिए वैभव, ग्लैमर, ये चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी, इसमें साफ सुथरा होना ज़रूरी है, तो स्वच्छता को आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से अपनाएं, खुद को साफ रखें, स्वच्छ रखें, अपने बाल, हेयर स्टाइल, कंघी, कपड़े, ये जितनी भी चीज़ें, चाहे आपके पास एक जोड़ी हो, दो जोड़ी हो, चाहे वो कितने साल पुर, लेकिन उनको साफ रख के साफ पहन तो आप सकते हैं, तो खुद को एकदम बिल्कुल मैनेज रखें। और सफ़ेद चंदन अगर मिले या सफ़ेद टीका लगाएं, उसका भी बहुत फायदा होगा। फिर आप देखें, महीने भर, दो महीने में आपको अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर देखिए, बहुत से लोगों को अपनी जन्म तारीख नहीं पता है तो भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जो भी अपनी राय हो खुलकर कमेंट्स में लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।